इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो है वो वर्ल्ड कप के लिए एक तैयारी के तौर पर सीरीज थी और इस सीरीज को इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों ने काफी हद तक बनाया। शुरुआत के दो मैच खेल राहुल की कप्तानी में इंडिया ने जीता, आखिरी मैच जो था वो रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे थे लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता। 66 रन से ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता और व्हाइट वॉश होने से बचा लिया। 7 विकेट पर 352, इंडिया 286 पर ऑल आउट हो गई। लेकिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इन दोनों के लिए इस मैच में बहुत सारे मूवमेंट्स थे और कई सारे सबक थे, या कहें कि कई सारे पॉजिटिव पॉइंट्स थे और सबक भी थे। मसलन अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया को लेकर, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे शानदार चीज इस सीरीज में ये रही कि डेविड वार्नर जो है वो कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं और हर मैच में वार्नर रन बना रहे हैं। पहले मैच में 50, दूसरे मैच में 50, तीसरे मैच में 50 और न सिर्फ 50 बल्कि तेज तर्रार 50। सो वार्नर ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़े एसेट के तौर पर है और ऑस्ट्रेलिया चाहेगी कि वार्नर इस फॉर्म को जारी रखें, बिकॉज ओपनिंग स्लॉट में बहुत इश्यूज थे उनके और वार्नर जिस तरह से इंग्लैंड के सामने संघर्ष कर रहे थे, इंडिया के सामने संघर्ष करते नजर आएंगे। अब बाकी टीमों के सामने वो संघर्ष करेंगे या नहीं करेंगे ये बात की बात है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपने लिए बल्ले बल्ले लेकर जा रही है। दूसरा ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लस पॉइंट ये रहा कि मिचेल मार्श जो हैं वो एक ओपनर के तौर पर कमाल के नजर आए। मतलब मिचेल मार्श को मैं बहुत खतरनाक प्लेयर रेट करता हूं, जब से उन्होंने पाकिस्तान की पिटाई की थी और उसके बाद से वर्ल्ड कप जिताया था। एंड अगेन ही इज बैक टू हिज बेस्ट, कमाल की पारी खेल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया भी उन्हें बड़ी नजाकत से नफासत से संभाल के रख रही है। मतलब बैटिंग करा दी, 96 मारे तो फिर आराम से कहा जाओ भाई शॉर्ट्स पहनो घूमो आराम से रेस्ट करो, कोई जरूरत नहीं बल्लेबाजी करने की और तुम बल्ले बल्ले कर सकते हो। सो वो उनके लिए दूसरा रहा। तीसरा उनके लिए जो बेस्ट रहा वो रहा स्टीव स्मिथ की फॉर्म। हम सब जानते हैं कि स्मिथ बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, विराट कोहली के टक्कर खिलाड़ी हैं और स्मिथ जैसा बल्लेबाज जब अपने टच में होता है और रन बनाता है तो उससे टीम का कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है और स्मिथ मैच जिताने का दमखम रखते हैं। इंडिया को वो समझते हैं, बहुत खेला है इंडिया में, चाहे आईपीएल की बात हो या इससे पहले सीरीज की बात हो, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा एसेट रहा कि स्मिथ उनके बैक टू हिज बेस्ट आ चुके हैं और वो कमाल है। लाबुशेन रन बना रहे हैं, उनके लिए बल्ले बल्ले। जी यार, लाबुशेन तो लगातार बनाते आ रहे, साउथ अफ्रीका में भी रन बनाए थे, यहां भी आके रन बना रहे हैं। सो वो ऐश में है कि बढ़िया भाई। फिर उनके लिए सबसे बड़ा खुशखबरी की बात है कि उनके पास ग्लेन मैक्सवेल जैसा प्लेयर है जो ऑलराउंडर बहुत अच्छा है। मतलब ट्रेविस हेड जैसा प्लेयर जाने के बाद जो ऊपर रन बना रहा था, गेंदबाजी कर रहा था, आपके पास टीम में कोई कमी नहीं। आपके पास मिचेल मार्श ने ऊपर कवर कर दिया, मैक्सवेल नीचे बल्ला नहीं चला तो गेंद, यार क्या कमाल ही गेंदबाजी की, 40 रन देकर 4 विकेट, वो कमाल का था, मतलब आउटस्टैंडिंग। और लास्ट आई थिंक उनके दोनों जो पेस बॉलर हैं पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क, उनकी फॉर्म में आना और फिटनेस उनकी ठीक होना, आई थिंक ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से कि उनकी जी बल्ले बल्ले वो ऐश करने वाले। इंडिया के लिए पॉजिटिव पॉइंट ये रहे कि रोहित शर्मा बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छे टच में नजर आए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 छक्के मारे, यार कमाल के सिक्स थे और अनफॉर्चुनेट थे कि आउट हो गए, वरना शतक रखा था रोहित का। बहुत ही वो ऐसे वैसे कैच पकड़ के पता नहीं कैसे मैक्सवेल ने पकड़ लिया। आई स्टिल बिलीव वो आउटस्टैंडिंग पारी थी और मैच जिताने वाली पारी थी, नीचे वालों ने उसको सही से कैच नहीं किया, बट रोहित शर्मा ने सारे जवाब दे दिए कि बाबू मेरे पे क्वेश्चन मत करना, मैं लीडर भी हूं, मैं लेजेंड भी हूं, और वो कमाल है। शुभमन गिल मैन ऑफ द सीरीज बने, वो यार आउटस्टैंडिंग आदमी है और उसको कोई फिलहाल बैच ही नहीं है, फिर से वो अपने बेस्ट में आ गया है। मुझे लगता है वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा एसेट तो हमारी यही रहने वाले हैं, रोहित तेज खेलेगा, शुभमन लंबा खेलेगा। पहले रोहित लंबा खेलते थे लेकिन अब रोहित स्ट्राइक रेट थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा इश्यूज उनकी बैटिंग को लेकर होगा, लेकिन शुरुआत वो पावरफुल करेंगे और वो चाहिए आपको। विराट कोहली यार इस मैच में 50 रन मारे, आउटस्टैंडिंग टच में वो बंदा है, तो आपके टॉप 3 लॉक है। यह आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपके पास 3 नंबर तक दुनिया के बेस्ट बल्लेबाज हैं, मतलब रोहित विराट कोई मैच ही नहीं है और शुभमन के आने से 4 चांद लग जाते हैं। 4 नंबर भी मुझे लगता है राहुल भी ठीक है, राहुल भी एक आपके एसेट के तौर पर हैं। 5 अय्यर और श्रेयस का एक क्वेश्चन नहीं बरकरार है, बिकॉज अय्यर टिककर खेलते हैं, आज भी अच्छी बॉलिंग खेली, लेकिन सूर्या का एक्स फैक्टर है। अब सूर्या पर आप दांव लगाते नहीं लगाते ये चर्चा का केंद्र रहेगा, बिकॉज चल गया तो चांद तक नहीं तो शाम तक। अय्यर ये है कि थोड़ा बहुत आराम से खेलते हैं, 50-60 रन। अगला टीम इंडिया के लिए सेट ये है कि यार आपका मिडिल ऑर्डर अभी भी क्वेश्चनेबल है, आपके लिए ये एक पंगा है, मिडिल ऑर्डर को क्लैरिटी नहीं हुई है, कौन खेलेगा क्लैरिटी नहीं है। लेफ्ट हैंड ईशान खिलाओगे, राइट हैंड ये खेलेंगे तो सब एक तरह के हो जाएंगे। अगला जो एक कंफ्यूजन है वो है अश्विन या अक्षर, अक्षर फिट हो गए
तो क्या अश्विन को बाहर बिठा दोगे? बिठा दोगे तो फिर मुझे लगता है फंस जाओगे, बिकॉज यूनिट स्पिनर यार। आज आपने देखा कि मैक्सवेल अच्छी गेंदबाजी की, उसका क्या नतीजा था। तो इंडिया के लिए सेटबैक है कि बाबू आपको अपने बॉलिंग में काम करना, बिकॉज आज भी आप 350 पिट गए हो। ठीक है, आप रोकते रोकते 350 पिटे हो, लेकिन आप पिटे हो, और ऐसे दिन आएंगे जहां पर आप टफ कंडीशंस में रहोगे, सो आपके लिए मुश्किल होगा। हालांकि ठीक ठाक कंडीशन मिली तो मुझे लगता है इंडिया भी लपेट देगी। इंडिया की बैटिंग बॉलिंग दोनों ठीक है, लेकिन आपकी फास्ट गेंदबाजी चलो ठीक है, सिराज और बुमराह आज नहीं चले बट अपने दिन पर चल जाएंगे, आज तो कोई तेज गेंदबाज नहीं चला, बट आपका स्पिन डिपार्टमेंट परेशान करने वाला है, खासतौर पर जडेजा आपको परेशान करने वाले हैं, क्योंकि ना बल्ले से ना गेंद से वो बहुत इंपैक्टफुल नहीं हो रहे हैं। तीसरा, लोअर मिडिल ऑर्डर जो है, लोअर ऑर्डर जो आपका है वो बिल्कुल खत्म है, मतलब उससे रन नहीं बनने वाला। बाकी टीमों में है, पैट कमिंस मार देते हैं, पाकिस्तान में भी लोग मार देते हैं, शाहीन वाइन, हमारे यहाँ नहीं मारने वाले। सो ये थोड़े से इश्यूज हैं जिसके लिए आपको 8 नंबर तक बैटिंग चाहिए। सो यू नीड पीपल लाइक रविचंद्रन अश्विन जो बैटिंग करें, लेकिन उसके चक्कर में गेंदबाज नहीं। सो ये रहा मोटा मोटा, बट ठीक है, आई बिलीव स्टिल इंडिया इज वन ऑफ द फेवरेट। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, यही चार फेवरेट मुझे नजर आ रहे हैं।